नमस्कार दोस्तों, मैं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। आजकल पूरे संसार में, ये कह सकते हैं पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन चल रहा है, और इस लॉकडाउन की स्थिति में सभी लोग अपना जो काम है वो घर से ही कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि सभी लोग अपना जो काम है वो ऑनलाइन कर रहे हैं, और जितने भी लोग ये ऑनलाइन काम कर रहे हैं उसमें ज़्यादातर लोग जो है जिस ऑनलाइन ऐप का यूज़ कर रहे हैं उसका नाम है जूम ऐप। अब ये जूम ऐप आपके लिए कितना खतरनाक है, आपकी सुरक्षा को लेकर, आपके डाटा की सुरक्षा को लेकर कितना ज़्यादा खतरनाक है, आज हम उसकी बात करेंगे। इस ऐप के थ्रू आपके आईपैड, आपके मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, इन सब का डाटा चोरी हो सकता है। ये पर्सनल डाटा, फिर चाहे आपका वो फ़ोटो हो, वीडियोस हो, मीटिंग्स हो, कुछ भी हो, ये सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चोरी हो सकते हैं, किसी और को बेचा जा सकता है इसको, और वो लोग आपके ऊपर साइबर अटैक कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए ऐसा क्या उपाय किया जाए, ऐसे कौन सी सावधानी आपको बरतना है, ऐसे कौन से स्टेप्स लेना है जिसके थ्रू आप अपने आप को सुरक्षित रख पाएँ, आपके डाटा को सुरक्षित रख पाएँ। इसके लिए भारत की राष्ट्रीय नोडल एजेंसी, जिसको हम CERT IN के नाम से जानते हैं, मतलब कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, इसने भारतीय यूज़र को बड़ी चेतावनी दी है कि इस ऐप का यूज़ करते समय आपको बहुत ध्यान देने की या बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अगर आपने इसमें सावधानी नहीं बरती तो आपके ऊपर साइबर अटैक हो सकता है। इंडिया की यही एजेंसी नहीं बल्कि USA की जो एक नामी वेबसाइट है CNET, उसने तो इस पर मुकदमा भी कर दिया है। और ये जो मुकदमा है उसके तीन प्रमुख कारण हैं। पहला कारण ये बताया है कि ये जो ऐप है, यानी जूम ऐप है, ये आपके डाटा को फेसबुक को साझा करता है, यानी जो भी आप इसमें बात करते हो या वीडियो शेयर करते हो, जो भी कुछ करते हो, ये सारा डाटा वो फेसबुक से शेयर कर लेता है। दूसरा ये कि इसमें एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन नहीं है, मतलब जो भी हम बात एक दूसरे से करते हैं वो हम तक ही सीमित रहती है, किसी और के पास नहीं जाती, इसमें ये वाला फीचर भी नहीं है। तीसरी, इस ऐप के जरिए आपका जो वेब कैम है जिसके थ्रू आप एक दूसरे से बात करते हो, मीटिंग करते हो, इसको भी एक्सेस किया जा सकता है, यानी कोई भी थर्ड पर्सन आपकी इस मीटिंग को रिकॉर्ड कर सकता है, देख सकता है, और रिकॉर्ड करके कहीं और भी अपलोड कर सकता है। और इतना ही नहीं, वाशिंगटन पोस्ट में तो इतना दावा किया गया है कि जूम ऐप के हजारों हजार वीडियोज़ इंटरनेट पर पड़े हुए हैं, मतलब जिन लोगों ने आपस में जो बातचीत की, जो जिस भी तरह का वीडियो शेयरिंग किया होगा, उसके वीडियोस इंटरनेट पर पड़े हुए हैं, जबकि आपने तो जूम ऐप से किया था, इंटरनेट पर कैसे पहुंच गया वो। इस प्रकार की असुरक्षा या कह सकते हैं कि सिक्योरिटी के लूप्स हैं इसमें, जिसके कारण आपके ऊपर साइबर अटैक होने का बहुत ज़्यादा खतरा है, जिसके कारण बहुत से देशों ने अपने यहाँ इसके इस्तेमाल पर रोक लगा दी, यानी प्रतिबंध लगा दिया कि हमारे देश में इसका इस्तेमाल नहीं होगा। जूम ऐप के जो फाउंडर है एरिक, उन्होंने इस बात के लिए सभी लोगों से माफ़ी भी मांगी है, और साथ में ये भी कहा है कि अगले 3 महीनों में हम इसके सुरक्षा से जुड़े हुए सभी जो फॉल्ट हैं, सभी जो लूप हैं, इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमारे जो भारतीय राष्ट्रीय नोडल एजेंसी ने जो गाइडलाइन जारी की है, जो कुछ स्टेप्स बताई है, जो कुछ सावधानी बताई है, जो कुछ सलाह आपको दी है, अगर उसका फॉलो करते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन सी ऐसी सावधानियाँ या कौन सी ऐसे सुझाव आपको दिए हैं जिसको यूज़ करके आप आसानी से इस साइबर अटैक से बच सकते हो। पहला, आपको अपने जो ऐप है, यानी जूम ऐप है, उसको रेगुलरली अपडेट करना होगा, मतलब आपको अपने ऐप को अप टू डेट रखना होगा। दूसरा, आपको इसमें स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डालना होगा, मतलब जो पासवर्ड आप यूज़ कर रहे हो वो ऐसा पासवर्ड होना चाहिए कि ईजिली कोई उसको क्रैक ना कर सके। तीसरा, हर मीटिंग के लिए आपको एक यूनिक पासवर्ड रखना चाहिए, यानी जितनी बार भी आप मीटिंग करें किसी से, चाहे वो आप पढ़ा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो हर बार आपका पासवर्ड डिफरेंट होना चाहिए। और चौथा, मीटिंग के लिए वेटिंग रूम फीचर को इनेबल करके रखना होगा। अगर आप इन थोड़ी सी सावधानियों को या थोड़े से सुझावों को अगर याद रखते हैं, अगर इस्तेमाल करते हैं, तो आपके ऊपर साइबर अटैक होने का खतरा नहीं रहेगा। तो कैसे लगा आपको वीडियो और इसमें दी गई जानकारी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।